रोज एक नए कुमार सर का वीडियो आता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी। हर पोस्ट में हमको टैग किया जाता था, तो मैंने एक पोस्ट में नीचे लिख दिया कि फीलिंग ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। मैंने कुछ गलत लिखा क्या? नहीं, रेड एफएम की टीम ने मुझे रिप्लाई किया, उन्होंने कहा बुक योर टिकट्स नाउ। रोहित शर्मा यहां पर है, समय की सीमा है, हॉल के वक्त की सीमा है, अधिकतम आनंद लीजिए। एक अच्छे प्रोग्राम को जमाने की पहली शर्त होती है कि अच्छे लोग बुलाए जाएं, अच्छे से कार्यक्रम किया जाए, दूसरी शर्त होती है कि अच्छा सुनाया जाए। लेकिन इन दोनों शर्तों को कामयाब करने के लिए तीसरी और सबसे जरूरी शर्त होती है कि अच्छे से सुना जाए, तालियों से सुना जाए, दांत से सुना जाए, वाह से सुना जाए। तो एक बार आगे से लेकर पीछे तक और ऊपर से लेकर नीचे तक इस कार्यक्रम को, रोहित शर्मा को प्रारंभ करने के लिए दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा रोहित शर्मा। देखो, अगर ओपनिंग कवित्री से होती और अगर उससे माइक सेट नहीं होता तो माइक वाला जरूर आ जाता, लेकिन हम पुरुषों की यही मार्केट वैल्यू है। लेकिन कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जैसा आदरणीय कुमार सर ने भी कहा कि एक बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, एक ऐसे बॉयकॉट के ट्रेंड में जब इतने सारे लोग टिकट लेकर के आए हैं तो ये हिंदी का तो जादू है ही, लेकिन ये डॉक्टर कुमार विश्वास जी का भी जादू है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस जैसा मेरा परिचय दिया गया, मेरे बारे में बताया गया, मैं हास्य का कवि हूँ, बहुत कम देर आपके बीच में हूँ। जितनी भी देर यहाँ पर हूँ कोशिश करूँगा आपके चेहरे पर मुस्कान लाने की। साउंड दादा जहाँ कहीं भी बैठे हों थोड़ा सा इसका इको बंद कर दीजिएगा। हाँ हाँ, एकदम इको की ज़रूरत नहीं है। मैं पहली चार पंक्तियाँ सुनाता हूँ कि जहाँ कहीं बात आपको अच्छी और सच्ची लगे आप तालियाँ बजा कर मुझे बताते रहिएगा, क्योंकि ये दो तरफा मामला होता है। बात यहाँ से कही जाती है, वहाँ से सुनी जाती है, सराही जाती है, तब यहां से दूसरी बात कही जाती है। मैं पहली चार पंक्तियां सुनाता हूं कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर। वाह, देखिए रेड एफएम की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं, बहुत अच्छी पब्लिसिटी की उन्होंने। आपकी सोशल मीडिया टीम भी यहां कहीं बैठी होगी आई एम श्योर। बहुत अच्छा, मतलब रोज एक नए कुमार सर का वीडियो आता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी। हर पोस्ट में हमको टैग किया जाता था तो मैंने एक पोस्ट में नीचे लिख दिया कि फीलिंग ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। मैंने कुछ गलत लिखा क्या? नहीं, रेड एफएम की टीम ने मुझे रिप्लाई किया, उन्होंने कहा बुक योर टिकट्स नाउ। मैंने कुमार सर के ऑफिस में फोन किया, मैंने कहा कुमार सर को सुनने के लिए तो टिकट लेना ही पड़ता है, अब क्या कुमार सर के साथ पढ़ने का भी टिकट लगेगा क्या? हाँ, लेकिन रेड एफएम की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा। तब मस्ती में आनंद में सुनिए तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर। मेरे युवा दोस्त बैठे हैं, आपको अच्छा लगेगा, आपकी दाद मिले कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर। हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन तुम और हम दो घर मिल जाएं तो कुछ और नहीं हो सकता फिर इससे बेहतर। थैंक यू। अच्छा देखो, मेरा नाम रोहित शर्मा जरूर है, लेकिन आपको बता दूं मेरा क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। हाँ, नाम से बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। एक शो में ऐसे ही हुआ, नाम छप गया रोहित शर्मा परफॉर्मिंग लाइव, हजारों की भीड़ आ गई, सबको लगा कि क्रिकेटर रोहित शर्मा आने वाला है। बाद में मैं स्टेज पर गया, मैंने कहा नमस्ते, मैं हूँ हास्य कवि रोहित शर्मा, तो लोगों का चेहरा वैसे ही हो गया जैसे नेहा कक्कड़ को सुनने आए हो और रानू मंडल स्टेज पे आ जाए। और देखो दोस्तों, आज मैं आपको नहीं भी हंसा पाए तो मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि करोड़ों रुपए लेकर के क्रिकेट में रोहित शर्मा कुछ नहीं कर पाता कई बार। उस हिसाब से मैं निशुल्क हूं एकदम। लेकिन जो निशुल्क है वही सबसे ज्यादा कीमती है। वाह, बहुत अच्छे। जैसे नींद, शांति, सुकून, उम्मीदें और सबसे ज्यादा हमारी सांसें। अच्छा, देखो नाम से बहुत हंसी आती है। हाँ, मैं एक दिन मॉर्निंग वॉक पर निकला, मैंने कुछ बोर्ड पढ़े, जहां जहां आपको भी बात अच्छी सच्ची लगती रहे, आपके ठहाके, आपकी तालियां मिले। सबसे पहला बोर्ड मैंने पढ़ा, उस पर लिखा था गांधी हेयर सलून।
अच्छा है। थोड़ा आगे गया मल्लिका टेक्सटाइल्स, कलमाड़ी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, यमराज ट्रेवल्स, कौन बैठे, सूरदास ऑप्टिकल्स, इंजमाम इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। बहुत अच्छे, वाह। सलमान खान मैरिज ब्यूरो, राखी सावंत सत्संग केंद्र, और अंतिम बोर्ड पर आप सबकी तालियां मिलेंगे, उस पर लिखा था आसाराम बापू गर्ल्स हॉस्टल। थैंक यू सर, बहुत बहुत कोई टेंशन की बात नहीं, बस आनंद में सुनना। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं बेसिकली राजस्थान का हूं, मारवाड़ी हूं, और ये बात मैं छुपाता भी नहीं, सारी दुनिया जानती है हम कैसे होते हैं। मैं मेरी कॉलेज फ्रेंड के साथ घूमने गया था, घर पहुंचा, पिताजी ने सवाल कर लिया, बोले खर्चा कितना हुआ। मैंने कहा 500 रुपए। पिताजी बोले ठीक है, तो कोई ज्यादा नहीं है। मैंने कहा इससे ज्यादा उसके पास थे भी नहीं। अच्छा है, हाँ, हमारा कोई जवाब है क्या? हमारा कोई जवाब नहीं। मैं मुंबई में जहाँ रहता हूँ, बहुत सारे मारवाड़ी परिवार रहते हैं। मैं नीचे उतरा, मैंने देखा दादाजी अपने पोते को डांट रहे थे। मैंने कहा दादाजी पोते को क्यों डांट रहे हो? बोले बेटा अपन मारवाड़ी है ना। मैंने इसको समझाया कि तू एक सीढ़ी छोड़कर एक सीढ़ी चढ़ाकर, ताकि चप्पल कम घिसे। मैंने कहा फिर डांट क्यों रहे हो? बोले दो सीढ़ी छोड़कर चढ़ने लगा और पजामा फाड़ लिया। हम ऐसे ही होते हैं। हमारा तो देखो भगवान से भी रिश्ता बड़ा अद्भुत होता है। हाँ। आज इतने बड़े इवेंट में आना था, कुमार साहब ने बुलाया था, तो बहुत प्रेशर था कि क्या होगा कैसा होगा। तो मैं आते ही सबसे पहले मंदिर गया, दिल्ली उतरते ही मैंने भगवान से प्रार्थना की। मैंने कहा हे भगवान मुझे आज जमवा देना, मैं अच्छा सुना जाऊं। हाँ, कुमार सर मुझे हर बार बुलाएं। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा बेटा तू वो सेब केला फल वल नहीं लाया क्या? मैंने कहा भगवान आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। होता है, लेकिन आप चाहे आजकल मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, चर्च जाइए, कहीं भी चले जाओ, एक वार्निंग हमेशा हर जगह लिखी होती है कि मोबाइल अलाउड नहीं है ना, क्योंकि हर आदमी आजकल मोबाइल में है, और ये अच्छी बात है, मोबाइल अलाउड होना भी नहीं चाहिए। मुझे कुमार सर एक प्रोग्राम में ले गए थे, तो हम लोग बाय रोड जा रहे थे, तो रास्ते में एक खेत पड़ा, तो खेत में एक बीच में अकेला आदमी मुझे दिखा, तो मैंने सर से कहा, मैंने कहा इतने बड़े खेत में एक अकेला आदमी क्या कर रहा है? तो सर ने मुझसे कहा कि वो आदमी नहीं, वो पुतला है। मैंने कहा आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हो? बोले बेटा अगर वो आदमी होता तो हाथ में मोबाइल जरूर होता। हाँ, और ये गिरावट इसलिए आई है क्योंकि हम गुरुजी से चले थे और 4G पे आ गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह, है ना। अब तो बता रहे 5G आने वाला, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन सुनना, हिंदुस्तान में भले ही 4G आ गया हो, पर आज भी फोन कट करके दोबारा लगाने पे ठीक आवाज आती है ना। अच्छा देखो, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी ने अपने आप को अपडेट किया है, हमने भी किया है। जैसे पहले हम गुस्सा होने पे श्राप देते थे, अब गुस्सा होने पे ब्लॉक कर देते हैं। और अगली बात पर आप सबकी तालियां मिलेंगी, दावा करता हूं। एक बात से आप सब सहमत होंगे कि सोशल मीडिया पे जब किसी लड़की से दोस्ती होती है ना, तो भले ही शादी जैसी फीलिंग ना आए, पर ब्लॉक होने पे तलाक जैसी फीलिंग जरूर आती है। अच्छा, देखो मोबाइल की लत से कोई नहीं बच सकता, चाहे अमीर हो या गरीब, आम हो या खास। तब सुनाना चाहता हूं एक बात कि उसे आना था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के टक्कर में, उसे आना था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के टक्कर में, नई चाल चली मैडम ने वायरल होने के चक्कर में। बॉयफ्रेंड से कहा वीडियो बना लेना, जैसे ही नोट डालूं भिखारी के कटोरे में। प्यार तो अंधा होता ही है, बात मान ली छोरे ने। 500 का नोट देकर वायरलता की दुनिया में अपना नाम बढ़ा लूंगी, और कैमरा ऑफ होते ही 500 का नोट लेकर 50 का नोट पकड़ा दूंगी। ऐसी ही थी उम्मीद, ऐसी ही थी आशा, लेकिन नए जमाने के भिखारी ने पलट दिया पासा,
नोट लेते ही वो बोला, मैडम काहे अपना सब्र खो रही हैं, वो देखिए मेरे मोबाइल से आप लाइव हो रही हैं। और अगली पंक्ति पर और तालियां आपकी मिले कि ऐसा ही मंजर अब हर जगह नजर आने वाला है। मैडम का तो पता नहीं, भिखारी बहुत जल्द रियलिटी शो में नजर आने वाला है। तो समय की सीमा है, आपको तो डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनना है, उन्हें अच्छे से सुनिएगा, उनका पेमेंट भी सबसे ज्यादा है। हाँ, मतलब अब तो चर्चा है पूरे इंडस्ट्री में, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, सब लोग कहते हैं कि डॉक्टर कुमार विश्वास जी का पेमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। मैंने कहा वो जान पूछ के ऐसा कर रहे हैं, बोले क्यों? मैंने कहा क्योंकि उनका अनुभव आम आदमियों के साथ ठीक नहीं रहा है। तब मैं एक छोटी सी कविता अंतिम रूप से सुनाना चाहता हूं, रोहित क्या और सुनिएगा, पहली बार सुना रहा हूं तो मंच का भी ध्यान चाहता हूं, आपका भी विशेष ध्यान चाहता हूं। हम सब पढ़े लिखे लोग यहां है, है ना, लेकिन पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात अच्छा इंसान बनना है। क्या बात है, वाह। हम सब पढ़े लिखे लोग यहां हैं, लेकिन एक बात आपको बताऊं कि सच्ची शिक्षा वही है जो अनपढ़ों का भी सम्मान करना सिखाए। अच्छी बात है ना। हम लोगों ने क्या तरक्की की, पढ़ लिख के तरक्की तो खूब की, लेकिन पीछे भी बहुत कुछ छूट गया है। बस वही दो चार पंक्तियों में मैं सुनाना चाहता हूं कि जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे। जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो तनाव में रहते हैं। अच्छा है। जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में तो अंधेरे में रहते थे, बिजली नहीं होती थी उस वक्त, महसूस करिएगा अगली पंक्ति पर, जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो लोगों को अंधेरे में रखने लग गए। जब हम अनपढ़ थे तो अपनों के लिए जीते थे, परिवार ही सब कुछ होता था। जब हम अनपढ़ थे तो अपनों के लिए जीते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो अब बस सपनों के लिए जीते हैं। हम अनपढ़ थे तो रिश्तेदार होते थे। अगली पंक्ति पर अगर आपको महसूस हो जाए कि मैंने कुछ अच्छी बात कह दी है तो आपकी तालियां मिले। जब हम अनपढ़ थे तो केवल रिश्तेदार होते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो अब रिश्तेदार भी दूर के हो गए। जब हम अनपढ़ थे तो पैसा घर के एक मुखिया के पास होता था और सब सुखी होते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो आज पैसा सबके पास है लेकिन सुखी कोई नहीं है। जब हम अनपढ़ थे तो परिवार ही बैंक बैलेंस हुआ करता था, हम पढ़े लिखे हो गए तो बैंक बैलेंस के चक्कर में परिवार का बैलेंस ही खो गया। अच्छा है। देखिए, अनपढ़ों ने हमें दिया बहुत कुछ है, लिया कुछ भी नहीं। अगली पंक्ति पर आपका ध्यान चाहता हूं, अनपढ़ों ने हमें दिया बहुत कुछ है, लिया कुछ भी नहीं है, हम वो आखिरी पीढ़ी हैं साहब जिनकी माओ का सोशल मीडिया पे अकाउंट ही नहीं है। कितनी अच्छी बात है। अंतिम दो पंक्तियां कह करके आपसे विदा चाहता हूं। आपको लगे अगर रोहित शर्मा ने अच्छी ओपनिंग कर दी हो तो मुझे तालियों से विदा कर देना कि जहां हर इंसान भोला है, मन का सच्चा है, दिल साफ है, जहां हर इंसान भोला है, मन का सच्चा है, ऐ शहर तुझसे तो मेरे अनपढ़ों का गांव ही अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां। वाह रोहित शर्मा, कमाल।